की रानी मुजफ्फरपुर की शाही लीची और चाइना दोनों का सीजन समाप्त हो गया है। उद्यान रत्न प्राप्त किसान भोलानाथ झा ने खेद जताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लीची भेजने की परंपरा टूट गई है, अब तो लीची ही नहीं है तो जाएगा क्या। पहले तो कोरोना की वजह से और फिर राजनीतिक खटास की वजह से किसान ने कहा कि लीची भेजने की परंपरा की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, अब ऐसे समय में सरकार की तरफ से कोशिश होगी तो वे बेवजह ही होगी। किसान ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने लीची का व्यवस्थित बाजार तक नहीं उपलब्ध कराया, ना ही लीची के प्रोसेसिंग के लिए किसानों के पास समुचित व्यवस्था है जिससे अपनी लीची को सुरक्षित कुछ दिनों तक रख पाए। ऐसे में अब उन्हें मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद से बड़ी उम्मीद है कि लीची किसानों के दर्द को वे समझेंगे, साथ ही उनकी समस्या का निदान भी करेंगे। बीच में कोरोना के पीरियड में हम लोग नहीं भेज पाए थे, कोरोना तो कोरोना था, उस पीरियड में महामारी के टाइम में हम लोग नहीं भेज पाए थे और ये परंपरा उसी में टूटी थी, अदरवाइज ये कभी नहीं टूटी थी। परंपरा स्टार्ट किया हुआ नीतीश जी का ही था शुरू में, बहुत साल पहले, तो ये परंपरा को कायम रखा गया। इसके बाद गवर्नमेंट आई, बदली, जो भी हुआ, लेकिन परंपरा कायम रहा। हम लोग को भी एक उल्लास रहता है कि हमारा फल कोई पदासीन व्यक्ति, ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति मेरा फल खा रहा है, इससे किसान को दिल में खुशी होती है। हालांकि इससे कोई लाभ हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लीची के बारे में कोई सहयोग सरकार से हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया, न दिल्ली सरकार से, न केंद्र सरकार से, न राज्य सरकार ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। इसके पीछे वजह क्या लग रहा है? वजह ये लग रहा है कि इन लोगों की मानसिकता जो है राजनीतिक मानसिकता है, और किसान की जो समस्या है इसको समझ नहीं पाते हैं सही ढंग से। अब आप बताइए कि इतने वर्षों का इसका इतिहास है, 200 वर्ष का, वर्ल्ड में इसकी इज्जत प्रतिष्ठा है, इसको सब चीज़ हमारे पास है, क्वालिटी है, सब कुछ रहते हुए हम इसको, इसका मंडी तक नहीं बना पाए, बाजार समिति में एक स्थान नहीं हमको मिला। अमृत लाल मीणा जब यहाँ जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ब्रजेश मल्होत्रा जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस पर कार्रवाई की थी कि बाजार समिति के बगल में एक मंडी इसका बनाया जाए जिसमें प्री कूलिंग वगैरह का व्यवस्था हो, स्टोर का व्यवस्था हो, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में उसको विकसित किया जाए, और ये नहीं हो सका। देखिए, कुछ अधिकारी होते हैं जो बहुत इनिशिएटिव लेके काम करते हैं, वैसे अधिकारियों की आज बिहार में बहुत कमी है, और उसी तरह से राजनीतिक दल के जो नेताओं हैं उनमें भी बहुत कमी है। हम अजय निषाद जी से अपील करते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा जैसा काम कर रहे हैं आपको धन्यवाद है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर पहल कीजिए कि लीची के लिए भारत सरकार मंडी कायम करे, यहाँ पर जहाँ कॉमन फैसिलिटी हो, कोई प्राइवेट में कोई अगर बना रहा है तो उसका हुआ, अपना हुआ, कोई एनजीओ बना रहा है तो उसका अपना हुआ, लेकिन आप कॉमन फैसिलिटी करके एगो 10 एकड़ जमीन या 5 एकड़ जमीन में इसको स्टोर का सिस्टम हो, ज्वाइंट वेंचर में करवाइए, किसी को बुलाइए और दीजिए उसको, हम हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। हम अंतिम अवस्था में जीवन के हैं, 82 वर्ष मेरा उम्र हो गया, लेकिन अभी भी हम सहयोग करने को तैयार हैं कि किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर को बुलाइए, ज्वाइंट वेंचर में इसको खुलवाइए, कहीं पर 2 एकड़ भी जमीन लेकर के आप खुलवा सकते हैं कॉमन फैसिलिटी, जिसमें किसान अपना लीची ले जाए, उसको प्रीकूल करे, स्टोर करे, रेफर भान से जहाँ चाहे भेजवा दे, उसका चार्ज जो मुनासिब हो किसान उसको पेमेंट करे, व्यापारी वहाँ पर आवे, इंटरनेशनल व्यापारी आवे, नेशनल व्यापारी आवे, मेट्रो सिटी के व्यापारी आवे, और मनमाने जगह से अपना मनमाना काम करे। और इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो MP हैं ये बहुत एक्टिव हैं, और हम इनकी शुभकामना हम देते हैं, और इनके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ने की हम लोग उम्मीद करते हैं। इनके पिताजी जब MP थे, आपको मैंने दिखाया है, लिखा हुआ है कि जयनारायण निषाद जी जब MP थे तो इन्होंने इस बात को उठाया था कि मुजफ्फरपुर को लीची का हब बनाया जाए, पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद उन्होंने जयनारायण निषाद जी ने UPA जब गवर्नमेंट थी उसको जब प्रस्ताव पास किया पार्लियामेंट में कि भाई इसको हब बनाया जाए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला जाए, कोल्ड स्टोर बनाया जाए, लेकिन उस समय की UPA गवर्नमेंट इसको इग्नोर किया, क्योंकि ये BJP में चले गए थे जदयू से, और इसलिए इग्नोर किया इस मैटर को, बहुत ये मैंने गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो लीची के प्रति काफ़ी सजग हैं,
कई बार वो बोल चुके हैं कि एक जिला में एक फसल को बढ़ावा दिया जाए, तो उसमें लीची मुजफ्फरपुर के लिए बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो इसके लिए व्यवस्था करने में अगर हमारे एमपी साहब चाहेंगे तो हम लोगों को जरूर मिल जाएगी सुविधा, और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। बता दें कि मुजफ्फरपुर का शाही रसीली लीची का हर कोई दीवाना है। शाही लीची को स्पेशल बनाने के लिए यहाँ का जलवायु खास मायने रखता है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को मुजफ्फरपुर की शाही लीची ही सबसे ज्यादा पसंद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।